नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बाई के अड्डा 23 पर। आज की वीडियो में हम एलटी ग्रेड टीचर्स भर्ती न्यूज़ टुडे, यूपी बोर्ड न्यूज़ टुडे, जीआईसी भर्ती न्यूज़ टुडे, केवीएस भर्ती न्यूज़ टुडे लेकर आए हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। मूल्यांकन के लिए कल से प्रशिक्षण, 143,933 परीक्षक नियुक्त, 3.19 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को यूपी बोर्ड सक्रिय। प्रशिक्षण देने के लिए ऑडियो वीडियो माध्यम में मॉड्यूल तैयार। प्रशिक्षण संपन्न कराने की जिम्मेदारी सभी क्षेत्रीय कार्यालय को दी गई है। बोर्ड सचिव ने बताया कि मेरठ के बाद 13 मार्च को बरेली में, 14 को गोरखपुर में, 15 को प्रयागराज में, 16 को वाराणसी में प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित की गई है। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 54,54,174 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। कुल 3.19 करोड़ उत्तर पुस्तिकाएँ हैं। परिषदीय स्कूलों से गायब मिले 16,706 शिक्षक। सबसे ज़्यादा शिक्षक हरदोई में अनुपस्थित मिले। टास्क फोर्स की 3 महीने की जांच रिपोर्ट में खुला मामला। सबसे ज़्यादा शिक्षक हरदोई में अनुपस्थित मिले। प्रदेश में टास्क फोर्स के माध्यम से बीते 3 महीनों में सबसे ज़्यादा 482 शिक्षक हरदोई में अनुपस्थित पाए गए। भर्ती में 100% आरक्षण, असंवैधानिक हाईकोर्ट। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की शर्त निरस्त, सहायक प्रधानाध्यापक पद पर महिला ही पात्र। केवीएस में अनुबंध पर टीचरों की भर्ती आई है। इच्छुक अभ्यर्थी यहां पर आवेदन कर सकते। प्यारे अभ्यर्थियों, एलटी ग्रेड टीचर्स भर्ती 2018 की वेटिंग लिस्ट वाले की नियुक्ति प्रक्रिया पर प्रक्रिया चल रही है और एलटी ग्रेड और जीआईसी की न्यू भर्ती का नोटिफिकेशन की भी तैयारी। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। दूसरे भी बना।